तो आज अपन बात करेंगे कि यूडाइस प्लस को अपन कैसे भरें। यूडाइस प्लस से रिलेटेड सारी डिटेल्स अपन आज इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे अपन यूडाइस प्लस से रिलेटेड सारे काम अपन निपटा सकते हैं, कि स्कूल का जो जो काम यूडाइस प्लस का है वो सारा अपन इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अपन यूडाइस प्लस को लॉगिन कर लेते हैं, फिर उसमें लॉगिन मॉड्यूल्स हैं कि यूडाइस प्लस में जैसे स्कूल डिपार्टमेंट दे रखा है, टीचर्स मॉड्यूल दे रखा है, स्टूडेंट मॉड्यूल दे रखा है, तो सारे मॉड्यूल्स उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो अपन एक एक मॉड्यूल वन बाई वन करके सारे मॉड्यूल्स अपन देखेंगे। तो यहाँ पे मॉड्यूल पहला है लॉगिन फॉर द स्कूल डायरेक्टरी और यूज़र मैनेजमेंट, प्रोफाइल फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं अपन सारे मॉड्यूल्स हैं। तो अपन एक बार स्कूल ये जो डायरेक्टरी है इसको लॉगिन करके अपन देखेंगे कि कैसे क्या क्या डिटेल्स अपन को स्कूल डायरेक्टरी में शो करता है। तो सबसे पहले अपन स्कूल डायरेक्टरी को लॉगिन करके अपन चेकआउट कर लेते हैं। सारे मॉड्यूल्स अपन वन बाय वन करके अपन एक एक मॉड्यूल को अपन सारा देखेंगे, जिसमें स्टूडेंट का प्रोफाइल का, स्कूल का, सारी चीज़ें, सारी रिपोर्टें वगैरह अपन यहाँ से यूडाइस प्लस से अपन निकाल सकते हैं। तो वन बाय वन करके अपन एक एक मॉड्यूल्स को अपन चेकआउट करेंगे। सबसे पहले अपन लॉगिन कर लेते हैं अपने लॉगिन फॉर द स्कूल डायरेक्टरी, इसको अपन लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, स्कूल डायरेक्टरी को अपन लॉगिन करेंगे। पासवर्ड्स वगैरह अपन ने लगा रखे हैं पहले से है मेरे, कैप्चर मैं यहाँ पर डालता हूँ 91024A। कैप्चर डालने के बाद में जैसे अपन लॉगिन करते हैं तो ये अपनी स्कूल डायरेक्टरी ओपन हो जाती है, जिसके अंदर स्कूल से रिलेटेड सारी डिटेल्स आ जाती हैं, स्कूल का नाम, यूडाइस कोड वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ब्लॉक वगैरह कौन से ब्लॉक में आती है, और सारी इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ से देख सकते हैं जो अपन ने यूडाइस में फिलअप की है। ठीक है, ये अपनी स्कूल की डायरेक्टरी, अपन जैसे होम पे क्लिक करते हैं ये सारी माई प्रोफाइल आ गया, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट वगैरह एडिशनल डिटेल्स आ गई, यहाँ से अपन इसको एडिट भी कर सकते हैं और सारी डिटेल्स अपन देख भी सकते हैं। ये सारी अपनी डायरेक्टरी आ गई, तो इस डायरेक्टरी से अपन स्कूल की पूरी डिटेल्स को अपन अपडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सारी एडिटेबल हैं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप देख सकते हो। लोकेशन वगैरह आ गई, ये अपनी लोकेशन, इस लोकेशन में अपनी स्कूल आती है, सारी डिटेल्स अपन को यहाँ से देखने को मिल जाएगी स्कूल डायरेक्टरी से। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट अपनी जो भी मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को अपन देखेंगे। यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ मैं। लॉग आउट करने के बाद में अपना नेक्स्ट मॉड्यूल स्कूल डायरेक्टरी बाद में था प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़। तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को भी अपन वन बाय वन करके लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से मैं कैप्चर डालता हूँ 2F4E50, ये मैंने कैप्चर डाला। कैप्चर डालने के बाद में जैसे ही अपन लॉगिन करते हैं ये तीन ऑप्शन अपने सामने ओपन होते हैं स्कूल फैसिलिटीज़ में। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ में अपन चेकआउट करेंगे ये सारी डिटेल। स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पे अपन जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारी डिटेल्स अपने सामने आते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, सीरीज़ हैं, सीरीज़ नंबर वगैरह, ये सारे सीरीज़ अपन को फिनिश करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं। मेरे यहाँ पे पूरे सीरीज़ फिलअप की हुई है, वन बाय वन करके पूरी फैसिलिटीज़ अपन ने फिल कर रखी है प्रोफाइल के अंदर। स्कूल की जो प्रोफाइल है, स्कूल में कितने कमरे हैं, कहाँ बिल्डिंग रेंटेड है, बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो वन बाय वन करके ये सारे ऑप्शंस हैं, इन सारे पॉइंट्स को अपन को फिलअप करना है, एक एक वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को अपन को कंप्लीट करना है। इसमें ये सारे सेक्शंस वगैरह हैं, पूरे सेक्शंस अपन को फिनिश करने हैं कि बेसिस ऑफ स्कूल्स, लैंग्वेजेस, अदर सारी डिटेल्स अपन को ये इसमें फिलअप करना। लॉग आउट करके अपन जैसे ही नेक्स्ट उसमें टीचर्स उस मॉड्यूल्स में जाएंगे, टीचर्स मॉड्यूल में अपन जैसे टीचर्स मॉड्यूल को ओपन करेंगे तो उसमें टीचर से रिलेटेड सारी डिटेल्स होंगी। उसमें टीचर मॉड्यूल में सारी डिटेल्स आ जाएंगी, तो अपन वापस प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पे क्लिक करेंगे और दोबारा से प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को लॉगिन करके यहाँ पे टीचर मॉड्यूल है, इस टीचर मॉड्यूल को अपन ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन टीचर मॉड्यूल को ओपन करेंगे, ये कैप्चर अपन डाल के जैसे टीचर मॉड्यूल लॉगिन होता है उसमें टीचर से रिलेटेड अपने जो स्कूल में वर्किंग जो टीचर्स हैं, जो डिग्री जिन्होंने ले रखी है, उन डिग्री जिन जिन टीचरों की डिग्री है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उन्हीं को अपन को यहाँ पे दिखाना है। तो उसमें जितने टीचर हैं, बच्चों के स्टूडेंट्स वाइज टीचर्स की डिटेल अपन को सबमिट करनी होती है, तो अपन टीचर मॉड्यूल को ओपन करेंगे। यहाँ पे ये टीचर DCF है टीचर का, डाटा का, तो ये डाटा अपन को पूरे यहाँ पे फिलअप करके रखने हैं टीचर्स वाइज, जिसमें टीचर का नाम हो गया, कहाँ से उसने डिटेल फिलअप की है और कहाँ से मतलब उसने एजुकेशन की है और क्या क्या एजुकेशन उसने कर रखी है। ये थोड़ी सी दिक्कत है, दोबारा मैं इसे लॉगिन करता हूँ एक बार। यहाँ पे टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल है, तो स्टूडेंट मॉड्यूल अपन लास्ट में अपन देखेंगे, स्टूडेंट मॉड्यूल में सारी डिटेल्स कि कैसे कैसे अपन को स्टूडेंट मॉड्यूल को कवर अप करना है। तो अपन जनरली एक बार ये निपटा देते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल नीचे है, इसको अपन देखेंगे। तो ये अपने प्रोफाइल फैसिलिटीज़ में टीचर मॉड्यूल हो गया, स्टूडेंट मॉड्यूल हो गया, सारे मॉड्यूल्स अपन ने देख लिए हैं। जनरली उनमें स्टूडेंट्स की डिटेल्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ पे मैं भी स्टूडेंट मॉड्यूल ओपन कर लेता हूँ। स्टूडेंट मॉड्यूल में अपन को स्टूडेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन से स्टूडेंट्स को अपन को रिमूव करना है, इम्पोर्ट करना है, एड करना है,
अपन जैसे मैं पुराना आपको दिखाऊं कि पुराना जैसे 22-23 में कौन कैसे कैसे क्या क्या डिटेल्स थी, क्या क्या भरी हुई थी, तो पुराना मैं आपको डाटा अगर आपको देखना हो कि पुराना डाटा अपन को देखना है कि यूडाइस में पुराना स्टूडेंट डाटा कैसे था, क्या था, कौन सी क्लास में क्या था, तो यहाँ से अपन सारी डिटेल देखते हैं। क्लास वाइज डिटेल में आ गए, क्लास वाइज में स्टूडेंट्स की डिटेल्स आ गई, तो इस प्रकार अपन पूरी सारी डिटेल्स अपन ओल्ड पुराने डाटा में भी अपन देख सकते हैं, क्लास वाइज सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, मैं अब यहाँ पे अपन नया सेशन जो 23-24 का सेशन है उसको लॉगिन कर लेता हूँ और वहाँ से मैं अपन सारी डिटेल्स अपन देखेंगे। सबसे पहले आता है कि स्कूल डैशबोर्ड। स्कूल डैशबोर्ड में अपन को सारी क्लासेज वगैरह शो कर जाएंगे, ऊपर सबसे पहले स्कूल डैशबोर्ड आता है। स्कूल डैशबोर्ड में पूरी क्लासेज वगैरह अपन को शो कर जाएंगे, नर्सरी, LKG, UKG सारी क्लासेज अपन को शो कर जाएंगे। फिर आता है ये स्कूल प्रोफाइल, तो पहले अपन स्कूल डैशबोर्ड को चेक कर लेते हैं। इसमें नीचे तक नर्सरी, LKG सारी क्लासेज अपन को शो कर देगा। एक बार रिफ्रेश हो जाता है, नर्सरी भी आ गई, फर्स्ट क्लास भी आ गई, सेकंड क्लास भी आ गई, सारी क्लासेज अपन को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर अपन इसमें क्लासेज में अपन जाके क्लासेज नए बच्चे ऐड भी कर सकते हैं, स्टूडेंट फर्स्ट क्लास तक अपन नए बच्चे को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू स्टूडेंट में डिटेल्स में से व्यू चेक कर सकते हैं अपन कि कौन से बच्चे क्या हैं। किसी बच्चे की डिटेल्स अगर कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं कि जनरल जो बच्चे की इन्फॉर्मेशन है वो जनरल इन्फॉर्मेशन ऐसे है, बच्चे का नाम आ जाएगा, जेंडर वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है, फादर्स नेम आ गया, गार्जियंस नेम आ गया, सारी चीज़ें अपन को यहाँ पर मिल जाएगी। सारी डिटेल्स अपन यहाँ से फिलअप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स अपन यहाँ से देख लेंगे। गार्जियन नेम अपने मैं तो बताया आपको, गार्जियन नेम हो गया, आधार नंबर हो गया, सारी डिटेल्स अपन को यहाँ से फिलअप करनी है। जो कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, एड्रेस डिटेल हो गई, कहाँ से है, क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पूरी डिटेल अपन को फिलअप करनी है जनरल बच्चे की इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, यहाँ से जैसे हिंदी सब्जेक्ट हिंदी हो गया, मदर टंग क्या हो गई इसकी हिंदी हो गई, और सोशल कैटेगरी क्या हो गई, कौन से माइनॉरिटी में आता है, एक माइनॉरिटी में नहीं आता, सारी डिटेल्स अपन को यहाँ से फिलअप करनी है। वन बाय वन करके अपन बच्चे के नए एडमिशन कर सकते हैं, और जिन बच्चों का अपन ने कर रखा है एडमिशन कर रखा है और जिन बच्चों की डिटेल्स अपने पास हैं उन बच्चों की डिटेल्स पे अपन चेक कर सकते हैं कि किस किस बच्चे की क्या क्या डिटेल भरी है। तो यहाँ से कुछ अपडेशन रहे तो अपन बच्चे की डिटेल में अपडेट भी कर सकते हैं, मतलब बच्चे में करेक्शन भी कर सकते हैं बच्चे की इन्फॉर्मेशन में से। तो इस प्रकार से अपन एक एक बच्चे की अपन जनरल जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन में है, अपन 4-5 स्टेप्स हैं एक बच्चे के एडमिशन के रिगार्डिंग, उसमें बच्चे की सारी डिटेल्स अपन को फिलअप करनी होती है। कोई बच्चा हैंडीकैप है, क्या है, क्या नहीं है, CW & SN है, मतलब पूरी डिटेल्स यहाँ पे अपन को फिलअप करनी है बच्चे के वाइज। ये बहुत सारी लेंथी प्रोसेस कर दिया है अभी UDAS में, इतनी सारी डिटेल्स अपन को फिलअप करनी पड़ती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये सारी डिटेल्स अपन को सबमिट करनी है, भरनी है। जो भी डिटेल्स अपन को यस करना है नो करना है वो यहाँ से अपन एडिट कर सकते हैं सेपरेट स्टूडेंट्स की। वो तो अपन जैसे किसी बच्चे का एडमिशन करते हैं, उस एडमिशन में अपन कोई डिटेल्स रॉन्ग कर देते हैं तो यहाँ से अपन उस बच्चे की डिटेल्स अपन राइट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अपडेट नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट बाद में ये डिटेल्स और थोड़ी एनरोलमेंट डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये एनरोलमेंट डिटेल है कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन नंबर क्या है, बच्चा कब एनरोल हुआ, पूरी डिटेल्स अब बच्चे की आ जाएंगे। एनरोलमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हैं बच्चे की वो सारी डिटेल्स इसके अंदर आ जाएंगे। ये आप वन बाई वन करके आप फिलअप कर लीजिएगा, जब मैं पूरी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। ये डिटेल्स अपन को चेकआउट करनी है पूरी की पूरी, पूरी वन बाय वन। अभी तो क्या है कि अपन कंसोल वीडियो बना रहे हैं पूरा, जो UDAS पे जो भी डिटेल्स हैं UDAS को फिलअप करने के रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा स्पीडली इस चीज़ को किया जा रहा है। तो वन बाय वन करके आप अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं स्कूल की, में उस प्लेलिस्ट में अपन को मिल जाएगा कि कैसे अपन स्कूल बच्चों की डिटेल्स फिलअप करनी है, किसी बच्चे को इम्पोर्ट करना है, उन सभी के लिए जो सभी टॉपिक्स हैं उन सभी के लिए UDAS का एक सेपरेट वीडियो है, सेपरेट वीडियो मिल जाएंगे आपको। किसी बच्चे को इम्पोर्ट करना है, किसी का पैन नंबर नहीं है तो वो पैन नंबर कैसे देखेंगे, सारी डिटेल्स अपन को सेपरेट मिल जाएगी। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट स्टेप में अपन आ चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप में बच्चे की डिटेल्स वगैरह हैं, इन सभी डिटेल्स को अपन को यस नो जो भी बच्चे के रिगार्डिंग मिल रही हैं, बच्चे के अकॉर्डिंग हो रही हैं, उन डिटेल्स को अपन को उसके अनुसार करके सबमिट करना है। तो ये सारी डिटेल्स अपन चेक कर सकते हैं। अगर आपको सेपरेट वीडियो अगर इस चीज़ का चाहिए कि आपको कैसे बच्चे के आधार नंबर डालने हैं, आधार नंबर किसी बच्चे के नहीं आए तो आधार नंबर अपन कैसे अपडेट करें,
कोई बच्चा डुप्लीकेट आ रखा है अपने पास, दो बार बच्चे के नाम आ रहा है, तो उस बच्चे के नाम को कैसे उठाएं अड़ाएं, और किसी बच्चे के करेक्ट नाम में करेक्शन जैसे डाटा इंपोर्ट होते हैं, वो डाटा इंपोर्ट में बच्चे की डिटेल्स शो कर रही है, उन डिटेल्स को अपन को कैसे रिमूव करना है। तो इस प्रकार की सारी डिटेल्स अपन को यूडाइस के रिगार्डिंग सेपरेट सेपरेट वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाके आप चेकआउट कर सकते हैं एजुकेशन डिस्कवरी के अंदर। ठीक है, इस प्रकार अपन ये डिटेल्स हैं ये बच्चे की फिलअप करेंगे। एक बार थोड़ा स्प्रिंट लिए अपन इस चीज़ को देख लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, और वैसे भी मैं थोड़ा टाइम दे के ही ये चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, तो आप सेपरेट सेपरेट ये सारी चीज़ें पढ़ के बच्चे के अकॉर्डिंग आप फिलअप कर सकते हैं। ये बच्चे की इन्फॉर्मेशन के अंदर ही आती हैं, तीन स्टेप्स हैं, ये तीनों स्टेप्स को अपन को फॉलो करना है। यहाँ पे बच्चे की ये हाइट वगैरह और वेट वगैरह की डिटेल्स भी है, ये भी अपन को सबमिट करनी है। अपडेशन में ये सामने आई गई अपने पास, तो ये सारी कंसोल डिटेल आ गई पूरी जो अपने अभी फिलअप की है बच्चे की। ये 20 पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स में बच्चे की सारी डिटेल्स आ गई है कि जहाँ पे अपन नो किया है। तो अगर फॉर्म के अंदर अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से अपन चेकआउट करके यहाँ से भी अपन देख सकते हैं। बैक टू अपन डैशबोर्ड में जा रहे हैं, ये लॉग आउट हो गया, दोबारा अपन लॉग इन कर लेता हूँ। 20 DPP 0 लॉन्ग टाइम के लिए हो गया ना, इसीलिए लॉग आउट हो गया। दोबारा मैं 2300 इसका सेशन ओपन कर लेता हूँ। सेशन में अपन मैं ये स्टूडेंट डिटेल थी ये मैंने फिलअप करके दिखाई दी आपको। यहाँ से अपन व्यू बच्चे की डिटेल्स कर सकते हैं। फिर अपन आते हैं स्कूल प्रोफाइल में, जो भी स्कूल की प्रोफाइल अपन ने भरी है वो स्कूल की प्रोफाइल यहाँ से अपन देख सकते हैं। ये डिटेल्स अपन फिलअप की थी स्कूल प्रोफाइल में, वो शो कर रहा था, सारी की सारी डिटेल्स अपन को यहाँ पर शो कर रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं अपन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में अपने पास सारी डिटेल्स आ गई, एक्टिव स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, एक्टिव स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, और अपने सामने ये ड्रॉप बॉक्स में कौन कौन से बच्चे डले हुए हैं, इनएक्टिव स्टूडेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एक्टिव स्टूडेंट्स अपन देखेंगे कि ये एक्टिव स्टूडेंट्स हैं अपने। ठीक है, ये सारे इतने एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या आ गई, टोटल बॉयज़ इतने आ गए, टोटल गर्ल्स इतने आ गए, टोटल ट्रांसजेंडर इतने आ गए। ये सारी अपने पास कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आ गई, एक मुफ्त रिपोर्ट आ गई पूरी की पूरी। ये इतने बच्चे हैं, डुप्लीकेट स्टूडेंट्स हैं, ये बच्चे डुप्लीकेट आ रहे हैं। जैसे कोई भी नाम हो गया, वो अंशु है तो अंशु दो बार आ जाएगा अपने पास, अक्षी दो बार आ जाएगा, ये बच्चे भी अपन को हटाएंगे। तो इसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ पे अपन जाके आप देख सकते हो कि कैसे यूडाइस पे डुप्लीकेट स्टूडेंट्स को रिमूव करें। यहाँ पे है ड्रॉप बॉक्स में जो स्टूडेंट्स अपने हैं वो सारे आ गए, इनएक्टिव जो स्टूडेंट्स हैं वो इनएक्टिव स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए, ये सारी डिटेल्स आ गई इनएक्टिव स्टूडेंट्स की, इनको हटा देंगे अपन जो अभी अपने पास है नहीं। पर ये सारी फीस वगैरह क्लियर करके फिर ही अपन को चेकआउट करना है। ठीक है, क्या नो सो करना है कि नहीं करना। फिर आता है सेक्शन मैनेजमेंट, जो क्लासेस अपन ने बनाई है उसमें कौन सी क्लास में कितने सेक्शंस अपन को चाहिए। तो नर्सरी क्लास में मान लो 3 सेक्शंस है, तो अपने सेक्शन से यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम वाइज अपन सेक्शन यहाँ पे 8 सेक्शन पे क्लिक करके नए सेक्शन बना सकते हैं, क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लास एंड सेक्शन सीट्स में से अपन ये देख सकते हैं कि जैसे क्लास फर्स्ट है
सो फर्स्ट क्लास में कौन कौन सा बच्चा ये आ गया, ये फर्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे बच्चे का सेक्शन अलॉटमेंट अपन कर सकते हैं कि जो बच्चा फर्स्ट क्लास में है वो ए सेक्शन में शो कर रहा है, तो यहाँ पे अपन सेक्शंस वगैरह उसके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास एंड सेक्शन शीट आ गई। फिर आ जाता है अपना प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़। प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ में ये है प्रोग्रेशन मॉड्यूल सारे के सारे, इम्पोर्ट स्टूडेंट, ड्रॉपबॉक्स स्टूडेंट, सारे डिटेल्स अपने सामने आ गई। यहाँ पे क्लास अपन सेलेक्ट करें, सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे फेच करते हैं अपने सामने सारे डिटेल्स आते हैं, स्टूडेंट लिस्ट ऑफ परमिशन डिटेल्स सारे के सारे। इंपोर्ट मॉड्यूल में है कि इंपोर्ट विद द स्टेट हो गया, मतलब कोई नए बच्चे को अपन को इंपोर्ट करना है, बच्चा शो नहीं करा गेट पैन नंबर के थ्रू, इसका भी एक सेपरेट वीडियो अपन ने बना रखा है, तो वहाँ से आप जाके मैं इसमें डाल दूंगा, तो यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाएगा सेपरेट वीडियो की कैसे अपन को पिन करना। तो सेपरेट सेपरेट जैसे इंपोर्ट स्टूडेंट को कैसे इंपोर्ट करना है, आपके पास पैन नंबर नहीं है, DOB भी नहीं है, तो आप कैसे इसको इंपोर्ट करेंगे, तो सारी डिटेल्स मैंने सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो के अंदर आप जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कि कैसे बच्चे को इंपोर्ट करना है, कैसे बच्चे को, बच्चे के आधार नंबर चाहिए, कैसे क्या, सारी डिटेल्स अपन को चेकआउट कर लेंगे, अपन देख लेंगे। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि ये पैन नंबर, ये नंबर्स वगैरह होता है ना, जो नंबर DOB, यहाँ से अपन को बच्चे की फेच करनी होती है, तो उसका सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो में आपको मिल जाएगा कैसे इंपोर्ट करना है। तो वहाँ से मैंने वो कॉपी कर लिया है, यहाँ पे DOB है, वो DOB डाल दिया है, मतलब वहाँ से एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे अपन को बच्चे को इंपोर्ट करना है, या मैंने डाली डालते ही सारी डिटेल्स वो बच्चे की खुल गई अपने सामने। तो आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है कि कैसे अपन को बच्चे की डिटेल्स ऐड करनी है, कैसे निकल, तो पैन नंबर के थ्रू ही सारा डिटेल्स है, पैन नंबर के थ्रू ही सारी डिटेल्स अपन को अपडेट करनी होती है। ठीक है, इंपोर्ट मैंने आउटसाइड स्टेट और इनसाइड स्टेट का सारा बता दिया आपको, वो सारी डिटेल्स सेपरेट वीडियो है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। ये ड्रॉपबॉक्स एंड इनएक्टिव स्टूडेंट्स की डिटेल्स आ गई। ये जो ड्रॉपबॉक्स में कई बच्चे पड़े हैं इनको भी अपन इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर मॉड्यूल ऑफ इश्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट स्टूडेंट ऑफ एक्टिव मेकिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह का है, ये आप चेकआउट कर लीजिएगा, इसका भी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। स्कूल कंप्लीशन मॉड्यूल, ये सारी डिटेल्स आ गई कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने कंप्लीट हो गए, अपने कितने फिलअप कर दिए, मतलब अपने जो स्कूल में मान लो अपने पास 100 बच्चे हैं, 100 में से अपने कितने फिलअप कर दिए, कितने स्टूडेंट्स अपने पास हैं, और कितने अपने मतलब बच्चे की डिटेल्स अपडेट कर दी, किसी बच्चे की कोई मान लो अपने पास स्टूडेंट था वो दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेगा तो वहाँ पर भी शो करेगा उसकी डिटेल्स, तो वो सारी डिटेल्स अपन को चेकआउट करनी है। ठीक है, सेपरेट इन सभी पॉइंट्स के सेपरेट सेपरेट वीडियोज़ हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। ये मैं आपको एक बार वर्बली पूरा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आया कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, कौन सी डिटेल्स अपन को काम करनी है, किसके बाद में क्या डिटेल है, और UDIS में कैसे कैसे अपन को काम करना है। जो सारी डिटेल्स हमने प्लान, जो इश्यूज़ आते हैं उन इश्यूज़ को अपन को कवरअप करना है कि इस प्रकार का इशू होने पर अपन को क्या करना है। तो इस मॉड्यूल के, इस वीडियो के माध्यम से अपन ने ये जाना है कि UDIS प्लस में किस किस प्रकार से अपन को डिटेल्स अपडेट करनी है, कैसे कैसे अपन को डिटेल्स अपडेट करनी है। ठीक है, कि कौन कौन से इसमें मॉड्यूल्स आते हैं, किसी बच्चे के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन अपन को एडिट करनी है तो वो कहाँ से करनी है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ से अपन को मिल जाएगी। ठीक है, डुप्लीकेट स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेट स्टूडेंट्स का मैंने एक वीडियो बना रखा है प्रॉपर, तो वो मैं आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, आपको वहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ पे उस वीडियो को देख के आप जो डुप्लीकेट स्टूडेंट्स अपने सामने आ रहे हैं उनको आप रिमूव कर सकते हो। इस प्रकार से अपन UDIS से रिलेटेड सारा वर्क अपन इस प्रकार से अपन कंप्लीट कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेरी रहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस प्रकार की आपकी दिक्कत आ रही, तो हम उसको कमेंट सेक्शन में जरूर रिजोल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।